हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब आप लोगों को पता है कि हीरो की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक हीरो की जो स्प्लेंडर आती है, उसमें हीरो ने काफ़ी अच्छे अपडेट करके इस बाइक को इंडियन मार्केट में उतारा है, जिसका नाम है हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक वेरिएंट। दोस्तों, ये जो वेरिएंट है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और लोग इस व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। मैंने इसका ब्लू कलर आप लोगों को दिखाया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर देखने को मिली, जो कि ये जो कलर ऑप्शन है मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। आज के इस वीडियो में व्हाइट कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। क्या क्या चीजें आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, सारी चीजें आपको कंप्लीट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस ये बाइक आती है। अब देखिए, आपको पता है कि ये टॉप वेरिएंट है, प्लस इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हॉबी सी बात है इस वाली वेरिएंट का जो प्राइस है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका जो एक्सरूम प्राइस रखा गया हीरो की तरफ से वो रखा गया है 72,900 रुपये, जी 72,900 रुपये के आसपास की आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ लगभग 88,000 से 90,000, जी हाँ 88,000 से 90,000 रुपये के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के सीट एंड स्टेट में इस वेरिएंट का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले इसके स्पीडोमीटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बाइक में सबसे पहला जो आपको अपडेट देखने को मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको स्पीडोमीटर मिला है। सबसे पहले की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं इस व्हीकल में, अब आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि हीरो की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्पीडोमीटर कंसोल आपको बाइक में देखने को मिला है। स्पीडोमीटर डिजिटल है, ओडोमीटर डिजिटल है, साथ में आपको बाइक में फ्यूल गेज मिलता है। यहां पे ध्यान रखिए, आपको बाइक में एरएस फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर दिया गया है कि आपकी बाइक में कितना फ्यूल है और ये कितना माइलेज दे रही है। प्लस आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल कनेक्टिविटी दी गई। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल कनेक्टिविटी आपको इस बाइक में देखने को मिल गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके आप बहुत सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे ही शो हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको नई वाली स्प्लेंडर में देखने को मिला है। साथ में आपको इसमें चार्जिंग पॉइंट यानी कि यूएसबी पोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। बात करें स्विचेस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइज में पास स्विच, लो बीम हाई बीम टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइज में आपको आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी का स्विच मिलता है, साथ में आपको एक सेल्फ का स्विच इस बाइक में दिया गया है। तो ये तो इसका नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओएससी इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस बाइक में 97.2 सीसी का जो इंजन है वो हीरो की तरफ से यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में लगभग 7.91 के आसपास का पीएस पावर दिया गया, जो कि 8000 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 8.05 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 6000 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। मतलब आपको इस बाइक में जो पावर एंड जो टॉर्क है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि आपका ऐसा लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन आपको क्लियर करना चाहूं दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है स्प्लेंडर। जी हाँ, परफॉर्म भी बहुत अच्छी है और माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करके दे देगी ये बाइक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये बाइक पॉपुलर होती है और लोगों को ये चीज़ पसंद भी है। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक में 1 नंबर ऑफ सिलेंडर देखने को मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल इंजन मिलता है। फ्यूल सिस्टम में FIA, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं, और आपको पता है कि जितनी भी BS6 बाइक आई है सभी में आपको अभी FIA देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को नंबर ऑफ 4 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। क्लच में नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलते हैं। बोर साइज 50mm की, स्ट्रोक साइज 49.5mm के आसपास की आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। अब आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बाइक में देखने को मिल जाती है, और इंडियन मार्केट
में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है स्प्लेंडर। बात कर लेते हैं इसके माइलेज एंड टॉप स्पीड प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में दोस्तों कंपनी का जो मतलब क्लेम रहता है यार वो तो अबाउट 70-75 होता है, बट एक्चुअल में जो माइलेज देती है जी हाँ 65 जी हाँ 65 के आसपास का जो माइलेज है ये निकाल कर दे देती है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों ये बाइक आपको 0 to 60 में लगभग 9 सेकेंड लगाती है। टॉप स्पीड बाइक की लगभग आपको 90 किलोमीटर पर आवर जी 90 के आसपास की बाइक टॉप स्पीड इजिली चले जाती है। बात कर लेते हैं इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। चेसी में दोस्तों इस बाइक में आपको ट्यूबलर डबल क्रेडल चेसी देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन में बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे सस्पेंशन और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। रियर में आपको इस बाइक में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं। बात करते हैं इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वह लगभग 2000 mm की। इस बाइक की जो ओवरऑल वेट है वह 720 mm की। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है लगभग 1052 mm के आसपास की। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 165 mm के आसपास की। इसकी जो सीट हाइट है दोस्तों लगभग 785 mm के आसपास की। इसकी जो व्हील बेस है 1236 mm के आसपास की। इसका जो कर वेट है दोस्तों लगभग 1112 kg के 112 kg की बाइक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.8 लीटर की, अराउंड 10 लीटर पेट्रोल इजिली आप इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, यानी कि इस बाइक की लाइट्स के बारे में। अब दोस्तों आपको पता है कि इसमें आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा चेंज किया गया। फ्रंट में आप लोग देख पा रहे हो इसमें एक छोटी सी LED DRL लाइट देखने को मिल जाती है। लेकिन यार यहाँ पे पता नहीं भाई हीरो ने ये क्या दिमाग लगा कि जब ये बाइक ऑन होती है तो तभी ये DRL लाइट ऑन हो रही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ऑन करते ही इसकी DRL लाइट ऑन होनी चाहिए थी, इनको ऐसा सिस्टम देना था। यार थोड़ी सी तो यार चीज़ों को समझना चाहिए हीरो को यार, क्या भाई चाबी ऑन के साथ DRL लाइट देते तो ये ज़्यादा बेटर रहती, बट फिलहाल तो अभी मुझे यही देखने को मिला है। ठीक है, जब ऑन करते तो इसकी लाइट ऑन होती है। मेन लाइट आपको फिलहाल हेलोजन देखने को मिल रही है, टर्न सिंगल लैप बल्ब है और टेल लाइट में भी आपको इसमें बल्ब लाइट देखने को मिलती है। बैटरी कैपेसिटी 3 AH की बैटरी यहाँ पर यूज़ की गई है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग एंड टायर्स के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग में आपको बताना चाहूँगा, सॉरी टायर साइज में जान लीजिए पहले। फ्रंट में आपको इसमें 1800 जी 8000 का जो टायर है वो फ्रंट में यूज किया गया। रियर में भी 8000 का टायर यूज किया गया हीरो की तरफ से। ब्रेकिंग में आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल अभी तक बाइक में आपको डिस्क वाला ऑप्शन नहीं मिला है। 180 mm की ड्रम ब्रेक आपको फ्रंट 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिल जाती है। देखिए यार मेरे हिसाब से ना हीरो को एक ऑप्शन रख देना था कि भाई जिसको लेना है मतलब ये वाली डिस्क वाली तो उनको डिस्क वाली मिल जाएगी, जिनको विदाउट डिस्क लेना है वो विदाउट डिस्क ले लेंगे। ऐसा मेरे हिसाब से करना था, लेकिन यार यहाँ पे ऐसा किया गया हीरो की तरफ से कि क्या ही कहना भाई, यहाँ पे आपको डिस्क वाला ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी बेकार लगी कि आपको डिस्क वाला ऑप्शन दे देना था। बाकी आप लोगों को दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये था दोस्तों स्प्लेंडर एक्सटेक के वाइट कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब मार लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।